मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजों ने कांग्रेस के होश उड़ा दिए। चुनाव का परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों के आसपास भी नहीं रहा। जहां मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के आसपास भी नजर नहीं आई। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 163 सीटों के साथ सबसे बड़ी जीत हासिल की। इस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। उन्होंने खुले दिल से हार स्वीकार करते हुए जनता के फैसले को मान लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। दिलचस्प बात ये है कि कर्नाटक में बेहतरीन जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी हाई था। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारी जीत के बाद बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटें लाने की घोषणा की थी। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटें जीतने जा रही है, लेकिन हुआ एकदम उलट। कांग्रेस 150 के आसपास तो क्या, बीजेपी ने 150 के आंकड़े को पार कर दिया। इस करारी हार के बाद कांग्रेस खेमे में शांति है। हालांकि तेलंगाना जीत से थोड़ा संतोष जरूर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना जीत पर खुशी जाहिर की और बाकी तीन राज्यों की हार को तहे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तेलंगाना की जनता ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। ये प्रजाला तेलंगाना की जीत है। ये प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। तेलंगाना की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए संकल्पबद्ध है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका सौंपी है। जनता का फैसला सिर माथे पर। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए मैं तेलंगाना के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वोट दिया। ये चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे, परंतु हमें विश्वास है कि हम मेहनत और दृढ़ निश्चय से मजबूती से वापसी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ इन चार राज्यों के चुनाव में भाग लिया। मैं अपने अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तीन राज्यों में मिली करारी शिकस्त को कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने तहे दिल से स्वीकार किया, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है और इन हिंदी भाषी बड़े राज्यों में मिली हार से क्या सबक लेती है। क्या इन राज्यों की हार के बाद राहुल गांधी अपनी अब तक की स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव करते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।